बाहुबली सीरीज के डायरेक्टर राजा मौली की अपकमिंग फिल्म ट्रिपल आर को लेकर काफी दिनों से ऐसी खबरें छाई हुई हैं कि ये इस साल रिलीज नहीं होगी। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर ने ट्रिपल आर के मेकर्स की प्लानिंग बिगाड़ कर रख दी, जिस कारण इसे अगले साल रिलीज किया जाएगा। ट्रिपल आर को लेकर आई इस खबर से दर्शक काफी निराश हो गए थे, क्योंकि वो इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मीडिया में जारी ऐसी खबरों पर मेकर्स ने एक पोस्टर के माध्यम से सफाई दी है। इस पोस्टर को रिलीज करते हुए मेकर्स ने साफ कर दिया कि वो अपनी फिल्म को इसी साल दशहरे के मौके पर रिलीज करेंगे। फिल्म का ज्यादातर काम पूरा हो चुका है और जल्दी इसका बचा हुआ काम भी पूरा किया जाएगा। फिल्म के मेकर्स ने पोस्टर को ट्वीट करते हुए फिल्म के दो गानों को छोड़ दिया जाए तो ट्रिपल आर की शूटिंग पूरी हो चुकी है। फिल्म को दो लैंग्वेज में डब भी किया जा चुका है, बची हुई लैंग्वेजेस में भी जल्द ही डबिंग की जाएगी। वेल दोस्तों, बात करें पोस्टर की, तो पोस्टर में नजर आ रहे हैं रामचरण और जूनियर एनटीआर। जहां जूनियर एनटीआर ने कुर्ता पजामा पहना हुआ है और वहीं रामचरण पैंट शर्ट में नजर आ रहे हैं। दोनों एक साथ एक ही बुलेट पे बैठकर मस्ती और आनंद ले रहे हैं। वहीं अगर बैकग्राउंड की बात करें तो कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जिनके सर पर कुछ सामान है। ये सीन देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई मार्केट का सीन है। वेल, ट्रिपल आर के स्टार्स की ट्यूनिंग काफी अच्छी लग रही है। पोस्टर देखकर तो यही लग रहा है कि फिल्म में दोनों की दोस्ती काफी अच्छी है और देखने में मजा आएगा। जूनियर एनटीआर और रामचरण स्टारर फिल्म ट्रिपल आर पूरे भारत में एक साथ रिलीज होगी। राजामौली की ट्रिपल आर से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि बाहुबली सीरीज के बाद ये उनकी पहली रिलीज है। फिल्म में अजय देवगन और आलिया भट्ट जैसे बॉलीवुड एक्टर्स भी नजर आएंगे। इन दोनों ने भी अपने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली है। एंड में आपको बताते चले कि दशहरे के मौके पर अजय देवगन की मैदान से ये फिल्म क्लैश करने वाली है, जिसे बोनी कपूर ने प्रोड्यूस किया है। अब कौन कितना आगे जाता है, कौन सी फिल्म बाजी मारेगी और कितनी बड़ी ट्रिपल आर साबित होती है, ये सब कुछ पता चलेगा दशहरे के मौके पर। वेल, आपको कैसा लगा ये पोस्टर और कितनी सारी उम्मीदें हैं आपको इस फिल्म से, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।